रीवा के मैदानी में स्थित इंडियन गैस गोदाम के बाहर खड़े ट्रक में लगी आग धू धू करके जला ट्रक। ट्रक में लदे थे 250 से ज्यादा सिलेंडर। गनीमत रही कि वक्त रहते सिलेंडरों को उतार लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया, नहीं बड़ी वारदात हो सकती थी। सोमवार की देर रात रीवा के मैदानी स्थित रीवा गैस एजेंसी के गैस गोदाम के बाहर खड़े ट्रक में आग लग गई। आग जिस समय लगी उस समय ट्रक में लगभग 250 से ज्यादा सिलेंडर लदे हुए थे। माना जा रहा है आग ड्राइवर की लापरवाही से ड्राइविंग वाले हिस्से में लगी। यह तो अच्छा हुआ गैस गोदाम के आसपास वहां कर्मचारी मौजूद थे जिन्होंने समय रहते ट्रक से सिलेंडर उतार लिए। इसी दौरान फायर ब्रिगेड को भी फोन किया गया। समय पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई जिसकी मदद से जल रहे ट्रक पर लगी आग बुझा ली गई। हम आपको बता दें रीवा गैस एजेंसी का यह गोदाम जिस जगह पर है इस जगह पर काफी घनी आबादी है। अगर सिलेंडर में आग लगती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था इसकी कल्पना ही की जा सकती है। इस संबंध में चक कलेक्टर रीवा ओम प्रकाश श्रीवास्तव से बात की गई तो उनका कहना था हमें आपके माध्यम से यह जानकारी मिली है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा और नियम के अनुसार जो भी उचित कार्यवाही होगी वह की जाएगी। ऐसी शिकायत आज हमें प्राप्त हुई है आप लोगों के द्वारा ही। LPG भंडारण वहाँ होना चाहिए जहाँ पे उसका प्रिस्क्राइब नॉर्म्स है, उनके भंडार गृह स्वीकृत हैं। इसके अलावा जो वितरण के लिए रखते हैं उसके लिए भी नॉर्म्स फिक्स हैं। चूँकि ऐसी जानकारी में आया है तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा पूरे ज़िले में, नगर में। अगर कहीं अवैध रूप से पाया गया तो कड़ी कार्रवाई करूँगा। Thank you.